तो फाइनली दोस्तों, मैं आपका दोस्त आर के रोमियो, मैं लेकर आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेयर चैट आईडी के बारे में। तो शेयर चैट पर आईडी का क्या हो रहा है इस टाइम, कि आईडी रिफ्रेश नहीं हो पा रही है। शेयर चैट की तरफ से ही कोई अभी फिलहाल में मैंने भी आईडी एक रिफ्रेश करके देखा था, जो हैक आईडी था मेरे एक फ्रेंड का था, वो मैंने रिफ्रेश करके देखा था। तो रिफ्रेश करने में कुछ इस टाइप की दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी जो भी अधिकारी थे, जो भी शेयर चैट टीम थी, वो टीम अभी छुट्टी पे है। तो इसकी वजह से आईडी जो है रिफ्रेश नहीं हो रही है। तो आईडी रिफ्रेश होने में इस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो आईडी रिफ्रेश करने की एक नया तरीका और एक नया ट्रिक मैंने निकाला है, वहां से आईडी 100% रिफ्रेश इस टाइम में अभी भी हो रही है। ठीक है, मैं भी एक आईडी 41 लेवल की अभी रिफ्रेश कर बैठा हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा, कतई बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। वीडियो से हटके बिल्कुल भी मत जाना और ना स्किप करना वीडियो को, बिल्कुल ही लाइव मैं आपको दिखाऊंगा कि आईडी अभी भी रिफ्रेश हो सकती है। सीएचए टीम जो है अभी छुट्टी पर है, जिसकी वजह से अभी आईडी रिफ्रेश, उन्होंने जितने भी ऑप्शन थे, जितने भी अधिकारी जो बैठते थे रिफ्रेश जो आईडिया करते थे, तो उन्होंने जो है ना अभी छुट्टी ले रखी है। तो उसकी वजह से जो है ना आईडी अभी रिफ्रेश नहीं हो रही है। पर एक ऑप्शन अभी भी बाकी है आईडी रिफ्रेश करने का, और वो ऑप्शन 100% काम करेगा, 100% वर्क कर रहा है, क्योंकि मैं खुद आईडी रिफ्रेश करके देखा हूँ और आईडी 100%। तो अगर आपको भी ये करनी है अपनी अगर आईडी रिफ्रेश, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या होगा, आपको पहले जो था मैं गूगल क्रोम से बताता था, पर इस बार जो रिफ्रेश आईडी होगी वो कहीं और से होगी। वो टोटल जानकारी मैं आपको वीडियो में आगे देता रहूंगा, तो देखते रहिए वीडियो को। और मैं चलता हूँ वीडियो की तरफ और बताता हूँ आपको कि आईडी रिफ्रेश कैसे होती है। तो उसमें एक बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि उसमें जो रिप्लाई आता है ना बैक, जो शेयर चैट टीम की तरफ से जो रिप्लाई, एक रिप्लाई आता है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या आता है क्या नहीं आता है। तो वो जो होता है वो थोड़ा फास्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसको जैसे कि हमने आईडी अपना रिफ्रेश कर दिया, ठीक है, रिफ्रेश करने की हमने एप्लीकेशन डाल दी, अब उसके बाद में हम उसको चेक करते रहेंगे बार बार, 10 मिनट 15 मिनट बके 15 मिनट 20 मिनट के बाद में हम उसको बार बार चेक करते रहेंगे कि शेयर चैट वालों ने हमें कोई मैसेज किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो वो मैसेज जब भी कभी शेयर चैट टीम की तरफ से आएगा, तो वो मैसेज का एक रिप्लाई करना है, और वो रिप्लाई थोड़ा फास्ट करना है, मतलब इतना फास्ट नहीं कि जस्ट 10 सेकेंड में या 5 सेकेंड में, इतना फास्ट नहीं, तो अभी 4 से 5 मिनट 10 मिनट के अंदर वो रिप्लाई बैक करना है। ठीक है, तो उसका आप बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे और आईडी आपकी 100% रीसेट होगी, रिफ्रेश भी होगी, जो भी कुछ आप करना चाहें 100% हो जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि गूगल क्रोम से जो है इस टाइम आईडी रिफ्रेश होने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो अभी मैं आपको एक जगह से, पहले मैं गूगल क्रोम पे आपको लेके चलता हूँ। गूगल क्रोम पर हम सर्च करके देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ये हमारा फाइनली गूगल क्रोम ओपन हो चुका है, तो अभी हम यहाँ पर जाएंगे, इस पर टच करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे शेयर चैट, शेयर चैट हेल्प। ठीक है, जब आप शेयर चैट हेल्प लिखेंगे तो फर्स्ट में ऊपर ही आ जाएगा शेयर चैट हेल्प एंड सपोर्ट। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में जो फर्स्ट में आ रहा है शेयर चैट हेल्प सपोर्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद में हमें दो ऑप्शन मिल जाएंगे, दो ऑप्शन, एक तो हमें चैट नाउ का मिल जाएगा, ये जो आता है इंग्लिश और हिंदी करने का, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, चाहे तो हिंदी में भी कर सकते हैं इसको, जैसा आपकी मर्ज़ी। तो इस मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो हमें यहाँ पर दो ऑप्शन मिल गए हैं, एक चैट नाउ का, दूसरा हमको ये मैसेज का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से। तो हम इस मैसेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैसेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम सी आल योर पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद में हमें ये ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये ऑप्शन मिलने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर जब हम इस पर क्लिक करेंगे अभी रिफ्रेश करने के लिए, तो कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन टच करने के बाद में नीचे जो हम टच करेंगे, तो यहाँ पर तो आईडी रिफ्रेश करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ से आईडी रिफ्रेश कैसे हो जाएगी। चलो एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ, बैग हो जाएंगे हम यहाँ से, इस एरो पे क्लिक करके हम यहाँ से बैग हो जाएंगे, एक बार और बैग हो जाएंगे यहाँ से।
उसके बाद में हम जाएंगे सेंड अस ए मैसेज पर, इसके बाद में हम जाएंगे समथिंग एल्स पर। जैसे कि हमारी इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है, माय अकाउंट प्रोफाइल, जर्नल, यूजिंग सर्च चैट, ठीक है, तो गेटिंग ए न्यू अकाउंट आफ्टर लॉग इन इन ऑल अकाउंट ओल्ड अकाउंट, ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे मिसिंग वाले पे, तो यहाँ से हमारा जो मिसिंग अकाउंट होगा वो हमारा वापस लौट के आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही सेम प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हम फिर से बैक हो जाते हैं एक बार। तो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है करने का, ठीक है, तो एक बार हम फिर से एक बार चेक करते हैं समथिंग एल्स पर। समथिंग एल्स पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस, यहाँ से भी आईडी रिफ्रेश नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से तो आईडी रिफ्रेश करने का टोटल जो है वो यहाँ से बैन हो चुका है, तो एक ऑप्शन बच जाता है हमारे पास में, वो ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ बस। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे और हम जाएंगे अपने शेयर चैट पर। तो रियल में तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती नहीं, तो मैं आपको क्लोन से करके बताऊंगा। तो क्लोन कौन से क्लोन में, ये मेरा 68 वाला क्लोन है, इसमें मेरी आईडी ओपन है, तो इससे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे शेयर चैट में, ये हमारी शेयर चैट आईडी की प्रोफाइल ओपन हो चुकी है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस बिलर दिखाई देगा, तो हम इसको बैक करके हम इसको दोबारा से फिर से ओपन कर लेंगे, तो यहाँ से हमारी आईडी ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा फिलहाल में, ऊपर जो रेस का दिखा दे रहा है, डॉलर का जो दिखाई दे रहा है ऊपर, उसके बाद में आपको एक ताला दिखाई देता है, उसके 3 डॉट दिखाई देते होंगे, 3 डॉट पे हम 3 डॉट पे हम क्लिक करेंगे, तो हमको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है, प्राइवेसी का मिल जाएगा, लोगो देखें, ठीक है, खोजें, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो हमको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हेल्प और सपोर्ट पे। हेल्प और सपोर्ट पे जाने के बाद में कुछ इस तरह का, सेम जैसे गूगल क्रोम पे आता है ऐसे ही सेम यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ ऑप्शन यहाँ पर बच रहे थे, हम सी एल पे क्लिक करने के बाद में हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, क्योंकि इस टाइम जो है नाइट का काफ़ी टाइम हो गया है, 12:30 बज गए हैं, ठीक है, 12:30 हो गए हैं, इसलिए सारे जितने भी लोग रिफ्रेश आईडी करते हैं, सी एच एट टीम्स जो होती है वो अभी ऑफलाइन है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 लोग अभी आपकी आईडी को रिफ्रेश कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर आप मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज डालने के बाद में हम हेलो डालेंगे, जी बिल्कुल। तो हेलो लिखने के बाद में हमको यहाँ पर क्या लिखना होगा, बाकी मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। और इसमें क्या है, इसमें ये है जैसे कि जिस भी प्रॉब्लम से, जैसे आपकी आईडी का ओटीपी किसी ने गलती से ले लिया है, या फिर वैसे आपकी आईडी किसी फ्रेंड को आपने दे दिया ओटीपी, उसके बाद में उसने नंबर चेंज कर दिया, या अदर कोई प्रॉब्लम है, तो सेम आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे, उसके बाद में आप लिख देंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरी आईडी का हैंडल नेम, जैसे कि मेरी आईडी का ओटीपी किसी ने गलती से ले लिया, ये सारा कुछ यहाँ पर आप लिख देंगे। तो ये मेरा क्लोन बैक हो जा रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर जो भी कोई प्रॉब्लम है आप यहाँ पर प्रॉब्लम को लिखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, आप सेम बिल्कुल वैसा ही लिखना है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे सर हेल्प मी हैक माई आईडी, माई आईडी हैंडल नेम, यहाँ पर आप हैंडल नेम जो भी है आपका वो यहाँ पर एक ऐट द रेट लगा के, ऐट द रेट स्टेप से लगा के, सॉरी मैं इस डाउट को कैंसिल कर देता हूँ, ऐट द रेट लगा के यहाँ पर आप जो भी आपका हैंडल नेम है वो यहाँ पर स्टेप से डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो भी नंबर है, जो भी आप रजिस्टर नंबर आपकी आईडी पर लगा हुआ है, उस नंबर को यहाँ पर आप एक स्पेस देकर, एक स्पेस दे दें, या फिर एक टोयोटा ये लगा सकते हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक नंबर जो भी आपकी आईडी पर फ़ोन नंबर लगा हुआ है वो यहाँ पर नंबर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक क्या करेंगे, यहाँ पर यूं करके और इस टाइप से यहाँ पर आईडी, जो भी आईडी का प्रोफाइल लिंक जो है
उस लिंक को आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। वो तो आपको पता ही होगा पेस्ट कैसे करना है, वो स्टेप से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको जो भी कुछ यहाँ पर लिखना है, थैंक यू सो मच सर, जो भी कुछ आपको लिखना है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इस मैसेज को आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंड करने के बाद में आपको 10 से 5 मिनट के अंदर यहाँ पर एक रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो अभी ये जो जेनिल सर हैं ये अभी ऑफलाइन हैं, जब ये ऑनलाइन आएंगे तो आपके मैसेज को यहाँ पर जस्ट सीन कर लेंगे और आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा जब ये उधर से आपको एक रिप्लाई देंगे उसका आपको एक फीडबैक देना है, ठीक है। जिसके आपको कोई भी प्रॉब्लम पूछेंगे कि किस वजह से आपका OTP आपने शेयर किया, तो वो यहाँ पर एक आपको फीडबैक देना है और उसी फीडबैक से आपकी ID रिफ्रेश होगी, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बने रहें हमारे चैनल पर ऐसी ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए, उससे चेट से टोटल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।